अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बॉटनिस्ट मलिक अबूबकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद एबी। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि मैंने किस तरह न्यू चैनल बनाया है, जो मेरा पहले वाला चैनल था उसके साथ क्या हुआ और अब मैं न्यू चैनल क्यों बनाने जा रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में सारा डिस्कस करूँगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा पुराना चैनल था उसके साथ क्या हुआ, क्यों वो मोनेटाइज नहीं हुआ और अब मुझे क्यों वो स्किप करके एक न्यू चैनल बनाना पड़ रहा है और उसके ऊपर जो वीडियोज़ हैं वो डालूँगा। तो अगर आप YouTube पे लिखेंगे गार्डनिंग विद AB तो ये मेरा चैनल है जो पहले नंबर पे आपको शो हो रहा है। तो ये चैनल था जो मैंने क्रिएट किया था और इसके ऊपर मैंने तकरीबन 150 से ज़्यादा वीडियोज़ डाली थी। तो अब मैं भी इसी तरह का एक और चैनल बनाऊंगा, बिल्कुल सेम टू सेम होगा चैनल और उसके ऊपर मैं नई वीडियोस डालूंगा। इसके ऊपर मैंने अभी कोई वीडियो नहीं डाली, जब से ये मोनेटाइज नहीं हुआ तब से मैंने इसके ऊपर काम छोड़ दिया है। तो ये जो चैनल था ये मैंने बनाया था तकरीबन, ये आप देख सकते हैं, 2018 में बनाया था, तब से मैंने इसके ऊपर काम किया और तकरीबन 271,000 इसके ऊपर व्यूज़ आए हुए हैं। तो ये मेरी इतनी ज़्यादा स्ट्रगल है जो मैंने 2-3 साल इसके ऊपर की और 100+ इस पर मैंने वीडियोस डाली और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, लेकिन जो कुछ वजूहात की बिना पे ये जो चैनल है ये मोनेटाइज नहीं हो सकता। तो इसलिए मुझे फिर अब नया चैनल क्रिएट करना पड़ रहा है और वो उसके ऊपर ही फिर मैं काम स्टार्ट करूँगा। तो ये अगर हम इसके वीडियो सेक्शन में जाते हैं तो ये आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़्यादा वीडियोज़ डाली हुई थी और काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा था। तो मैंने जब इसका मोनेटाइजेशन का जो इशू है वो सॉल्व नहीं हुआ तो मैंने फिर इसके ऊपर जो है वो वीडियोस डालना बंद कर दी थी। तो अब मैं न्यू चैनल बनाऊंगा और उसके ऊपर फिर मैं नए सिरे से काम करूंगा और उसके ऊपर ही मैं वीडियोस डालूंगा। तो अब मेरी कोशिश होगी कि मैं इससे भी अच्छा कॉन्टेंट लेके आऊँ और अच्छा अपनी वीडियोज़ को करूँ। तो इसमें भी काफ़ी अभी खामियां थी जो मुझे दूर करना थी। तो अब नए सिरे से जब स्टार्ट करेंगे तो फिर उनको मैं उन खामियों को दूर करूंगा और अच्छा जो बेहतरीन कंटेंट होगा वो लेके आऊंगा। तो ये देखें आप, काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पांस मिला, 75K तक व्यूज़ आए, 24K तक, और इस तरह काफ़ी वीडियोज़ हैं जो अच्छा, जिन्होंने अच्छे व्यूज़ लिए हैं, बाकी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो अब नए सिरे से स्टार्ट करेंगे गार्डनिंग को लेकर, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लेंगे और जो होगा टॉपिक वाइज उसको मैं लेके चलूँगा और मेरी कोशिश होगी कि सबसे जो बेस्ट मेथड है और जो बेस्ट टेक्निक्स हैं वही आपके साथ शेयर करूँ और जो अच्छे अंदाज में आपके सामने पेश करूँ। वीडियो एडिटिंग पे मैं काम कर रहा हूँ, उसको भी मैं और बेहतरीन बनाऊँगा। कॉन्टेंट पर काम कर रहा हूँ, उसको भी और बेहतरीन बना के तो वीडियोज़ डालना शुरू करूँगा। तो ये मेरी जो पहली मैंने चैनल का जो लोगो था वो शेयर किया था, जो हमारा बैनर उसको होता है, चैनल इंट्रो जो होता है वो मैंने शेयर किया था 3 साल पहले। उसके बाद फिर ये मैंने वीडियोस डालता गया। तो ये सारी वीडियोस मैंने इसके ऊपर, इस चैनल के ऊपर डाली और ये सारी गार्डनिंग से रिलेटेड थी। तो मैं एक ही टॉपिक को लेके चल रहा था। तो अब भी जो मैं चैनल बनाऊंगा वो भी इसी टॉपिक पे होगा, इसी नेम से होगा और बिल्कुल इसी तरह का होगा। तो उसके ऊपर भी मैं ये गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस डालूंगा और अब और ज़रा बेहतरीन तरीके से चलूंगा लेके। तो आप लोगों की सपोर्ट है, जिस तरह मुझे इस चैनल पर आपने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, अगर मैं आपको इसके सब्सक्राइबर दिखाऊँ तो 2000 से ऊपर इसके सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिक थे, मैंने बहुत कम लोगों से कह के इसको सब्सक्राइब कराया, तो सारे ये खुद ही ऑर्गेनिक थे। तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस थी इस चैनल की। तो अब भी मैं सेम टू सेम ऐसा ही चैनल लेके आऊँगा और इसी तरह का कंटेंट थोड़ा इम्प्रूवमेंट के साथ लेके आऊँगा। तो उसके ऊपर मैं कंटिन्यूसली वीडियोज़ डालता रहूँगा ताकि वो भी जल्दी ग्रो हो सके। तो ये अगर हम इसकी प्ले लिस्ट में जा करें तो मैंने ये इसकी प्ले लिस्ट में हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस डाली हुई थी ताकि जो भी यूज़र नए आए, जिसको सीखना है जिस पौधे से मुतलिक, वो यहाँ पे जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करेगा और उसको वीडियोस मिल जाएंगी तो वो अपनी मर्ज़ी की वीडियोस देख सकेगा, बजाय कि वो वीडियो में जाए और इतनी ज़्यादा वीडियोस में वो सर्च करे। तो इस तरह उसको आसानी से मिल जाएंगी।
तो अब ये प्लेलिस्ट वाला सेक्शन भी मैं और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा, जो टॉपिक वाइज है वीडियोस उनको अच्छे से प्लेलिस्ट में डालूँगा। तो अगर हम इसका कम्युनिटी टैब चेक करें तो इस पर भी मैंने कुछ ना कुछ पोस्ट किया। तो ये मैंने जब मेरे 2000 सब्सक्राइबर हुए थे, मैंने तब इसके ऊपर जो थी वो पिक्चर डाली थी, तो इसको भी मैंने काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है। इसके बाद हम अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ अपने लिंक्स वगैरह दिए हुए थे, जो कि फेसबुक पेज था, फेसबुक प्रोफाइल और इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो मैंने दिया हुआ था। तो अब अगेन वही सेम चैनल होगा, वही सेम कंटेंट होगा, आपकी सपोर्ट चाहिए। और ये जो मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं इसके ऊपर भी काफ़ी लोग हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं और इस कंटेंट को देख रहे हैं, तो वो भी इस चैनल पे आएंगे जो मैं न्यू बनाऊंगा। तो जैसे जैसे वो चैनल ग्रो करेगा फिर ये वाला जो चैनल है ये मैं ख़त्म कर दूंगा या बंद कर दूंगा इसको। तो फ़िलहाल के लिए तो अभी मैंने इसको छोड़ा हुआ ताकि जो यहाँ के लोग हैं वो शिफ्ट हो जाएँ दूसरे चैनल पर, न्यू चैनल पर। तो इस तरह अच्छा भी नहीं लगता कि एकदम से हम नया चैनल स्टार्ट कर लें और पहले वाली जो पब्लिक है, जो व्यूवर हैं देखने वाले, उनको पता भी ना हो कि ये शख्स कहाँ गया और क्या काम कर रहा है। तो उनको बताना भी ज़रूरी है कि जो वो चैनल देखते हैं उसके साथ क्या हुआ और वो उस पर क्यों वीडियोस नहीं आ रही। तो इस पर जो मोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस था वो तकरीबन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने सिर्फ मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना था। तो जब वो अप्लाई किया तो उसमें जो इनवैलिड क्लिक्स का जो इशू आता है वो आ गया था, जिसकी वजह से ये जो चैनल है ये मोनेटाइज नहीं हो पाया। तो अब नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। तो अब काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है कि कौन सी वीडियोज़ रैंक करती हैं और किस तरह उनको रैंक करना होता है, किस वीडियोज़ पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और किस तरह जो है किस तरह की वीडियोज़ पब्लिक लाइक करती है। तो अब काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो चैनल ग्रो करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मैं पहले जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उन्हीं के ऊपर, उन्हीं को टारगेट करूँगा और उन्हीं के ऊपर वीडियोज़ डालूँगा। जैसे जैसे वो चैनल को ग्रो करेंगी तो फिर हम दूसरे टॉपिक्स को भी कवर करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप टॉपिक वाइज वीडियोस होंगी, हर टॉपिक को कवर करूंगा, हर पौधे को कवर करूंगा, चाहे वो नर्सरी में हो या वाइल्ड प्लांट हो, हर्ब्स हो या शर्ब्स हो, सारे प्लांट्स जो हैं वो कवर किए जाएंगे इस चैनल पे। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जो मैं न्यू बनाऊंगा उसका लिंक आपको मिल जाएगा मेरे पुराने वाले चैनल पे, तो आप उसको जाके सब्सक्राइब कर लें ताकि उस पे जो नई वीडियोज़ आएंगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। इस चैनल के ऊपर, ये जो मेरा पुराना चैनल है इसके ऊपर मैं अब वीडियोज़ नहीं डालूंगा, तो जो न्यू चैनल बनाऊंगा उसी के ऊपर मैं वीडियोज़ डालूंगा, आपने उसी को अब फॉलो करना है। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका मैं लिंक अपने पुराने चैनल पे दूंगा ताकि जो वहाँ की पब्लिक है, जो देखने वाले हैं, जो उस चैनल को फॉलो कर रहे थे, वो हमारे न्यू चैनल पे आ जाएं और यहाँ इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दें। तो इस न्यू चैनल के ऊपर ही मैं आप वीडियोज़ डालूंगा, इस चैनल के ऊपर अब वीडियोज़ डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक बार मोनेटाइज हो जाता तो फिर मेरे और भी काफ़ी सारे प्लान्स थे जो मैंने इसको लेके चलने थे साथ। तो अब चूँकि ये मोनेटाइज नहीं हो सकता तो फिर इसके ऊपर ज़्यादा काम करने का फ़ायदा नहीं है। तो जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसको लेके जो ज़रूरी है वो है यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होना। तो जब अगर मोनेटाइज नहीं होगा तो फिर इसके ऊपर फ़ायदा ही नहीं काम करने का। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि पहले जो न्यू चैनल बनाऊँ उसको मोनेटाइज करूँ, फिर उसके ऊपर लगातार वीडियोज़ डालता रहूँगा, टॉपिक वाइज चलूँगा और अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आपने उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं आपने करना है। तो आप उसी न्यू चैनल पे मिलेंगे, तो आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।